इसको वो हाँ इसको गेस्ट रूम बना देगा। ये क्या हो गया? माधुरीपुरी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज देख रहे हैं हम लोग सब नाश्ता कर लिए हैं, पूजा पाठ सब हो गया है। तो आज हम लोग जा रहे हैं विजय के घर जा रहे हैं, क्योंकि और दिन गए हैं तो हम लोग घूमे कहीं नहीं वहाँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर, देखेंगे समझेंगे कि क्या इसके साथ बात है जो इसके लेके ही हम लोग जा रहे हैं। तो चलते हैं अब हम विजय का घर, चलते हैं इसके गांव। तो चलो विजय, चलो विजय रेडी है, विजय रेडी है। तो गाइस अब हम लोग बूटी मोड़ पहुंचने वाले हैं। अभी हम लोग बरियातू में है, बस बरियातू क्रॉस करते हुए बूटी मोड़ पहुंचेंगे और फिर वहां से हम लोग सिकिदरी घाटी होते हुए धनबाद बोकारो वाले रोड में जाएंगे। काफी अच्छा मौसम हो चुका है और बारिश, धीमी धीमी बारिश भी हो रही है। और हम लोग देखिए अभी फोर लेन पहुंचे हैं जस्ट, मतलब ओरमान जी हम लोग पहुंच चुके हैं। और देखिए अब यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए हम लोग सिकिदरी घाटी पहुंच गए हैं। कितना प्यारा नजारा है यहाँ का, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये घाटी। दोनों तरफ पहाड़ है और बीच में ये रोड है, तो काफी अच्छा लग रहा है ये जो रोड है। और धीमी धीमी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है रिमझिम से, इसका भी एक अलग मजा है। मम्मी कैसा लग रहा है तुमको? झारखंड में इतने सुंदर सुंदर जगह है ना कि मतलब क्या ही बोलो, मतलब बहुत अच्छा अच्छा जगह है यहाँ पे। अगर आप लोग घूमना चाहे तो काफी अच्छा अच्छा जगह है झारखंड में और हमारे रांची के आसपास तो बहुत सारे भरे हुए जगह है। गाइस देखिए यहाँ पे हम लोग रुके हैं, बोकारो धनबाद वाला जो टोल गेट है वहाँ पे हम लोग रुके हैं। और देखिए यहाँ पे मकई ले रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए मकई, यहाँ का मकई अच्छा होता है। दीदी अभी यहाँ पे गर्मा गर्म पका रही है मकई, और अभी हम लोग यहाँ से मकई लेंगे और गाड़ी में बैठेंगे और खाएंगे फिर, क्योंकि हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। और देखिए काफी अच्छा नजारा। हाँ नींबू लगा लीजिए दीदी, ज्यादा नहीं लगाएगा, हल्का नींबू लगाइएगा। हम लोग मकई ले लिया, अब गाड़ी में बैठ रहे हैं और फिर हम लोग जा रहे हैं विजय का घर। यहाँ से अब हम लोग विजय के घर पहुँचने वाले हैं, जो यहाँ से पहाड़ दिख रहा है, जो विजय के घर के सामने ही वो पहाड़ है वो दिख रहा है, बहुत अच्छा दिखने में लग रहा है। चलेंगे आज पूरा उसके गांव का, विजय का गांव घूमेंगे आज। क्या सुंदर लग रहा है पहाड़ी? हाँ बहुत सुंदर लग रहा है, सुंदर लग रहा है। क्योंकि पहले भी आए थे तो हम इसका ग्रीवास में आए थे, उसके बाद हम आए नहीं। ग्रीवास के बाद वही पहली बार आई है? हाँ ग्रीवास के बाद पहली बार आए हैं। और ग्रीवास के समय तो पूजा था तो उस समय हमको मौका ही नहीं मिला। कितना सुंदर लग रहा है, पूजा सीधे खत्म हुआ और हम लोग घर आ चले आए खा पी के। तो और कितना सुंदर लग रहा है, लग ही रहा है कि हम लोग मतलब कि रांची वगैरह में है। हाँ। सुंदर ये सब पहाड़ तो देखने लोग कहाँ कहाँ जाते हैं सब पहाड़ देखने। हाँ। हम लोग विजय के घर पहुँच गए हैं। तो आज ऐसा है कि संयोग से मौसम भी बहुत अच्छा था, तो ठंड भी अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। नहीं तो दो तीन दिन से तो गर्मी पड़ रहा था, लेकिन आज ऐसा संयोग है कि आने में अच्छा लगा, बढ़िया लगा। तो इधर देखिए, ये देखिए नानी जी को हम वीडियो में देखते हैं, बड़ा मस्त दिखती हैं, एकदम हंसते रहती हैं, है ना। और देखते हैं आज विजय का घर घूम के हम देखेंगे, आज विजय का घर घूमोगे ना? हाँ। ये मतलब देखे नहीं, सबसे पहले हम लोग यहाँ रहते हैं ये वाला में। अच्छा। हम नहीं देखे हैं आज तक इसका घर, हम नहीं देखे हैं। बकरी का घर है ना? हाँ यहाँ बकरी रहता है। शहर में इतना को रूम में आदमी बच्चा रहेगा तो टेंट लगा देगा, लेकिन हम लोग भी देखो कैसे दिए हुए हैं, चिंकी मिंकी एकदम आराम से सोता है। ऐसे ही इन लोग का भी घर है, एक घर है अंदर भी हम लोग रहते हैं, इसके अंदर भी तुम रहता है। अच्छा तो स्मेल जाता होगा विजय बहुत, आता ही तो है, लेकिन तो सो जाता है। आदत हो जाने पर नहीं लगता है, शुरू शुरू हम लोग को लगेगा, जैसे अचानक हम लोग घुसे ना तो हम लोग को लगेगा, लेकिन तुमको नहीं लगेगा। यही रहता है, अंदर में तुम कैसे रहता है? घर है ना, रूम है ना? रूम है अंदर में, दिखा रहे ना। चाबी ले आइए, चाबी लेके आते। तो ये देखिए अभी हम जो जहाँ खड़ा है वो विजय का रूम है, और इसी में विजय और रिया रहता है सब। लेकिन ऐसे तो हम लोग वीडियो में देखते हैं, ये जो है ना ये अभी बंटवारा पूरा हुआ नहीं ना। हाँ ज्वाइंट है ये घर सब। हाँ, ये ज्वाइंट फैमिली में जो बड़े पापा मझले पापा ये सब में से। अरे ये अभी किसके हिस्सा में आएगा कहना,
कहना मुश्किल है, लेकिन अभी तो तुम रह रहा है ना। इसको हम लोग मरम्मत करवाने के लिए सोच रहे थे, जैसे बाहर में जो बकरी रहती है ना, यहाँ पे टूटा फूटा है, तो सोचे कि झगड़ा हो रहा था किसके हिसाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर अभी 10-20 हजार रूपया खर्च भी हो जाएगा मरम्मत करवाने में, फिर मिलेगा भी नहीं, इसलिए नहीं करवाए। फिर जाके फिर वो घर वो जगह मिला हम लोग को, जहाँ बनाया ना घर, नया घर, सपनों का घर, वो जगह मिला, वो भी इतना खराब जगह था, घर बनाने लायक का नहीं था। फिर हम लोग अपने से मेहनत करके, मैं बोल रही थी कि उसको काफी भरवाने में पैसा भी लग गया है, तब जाके समतल हुआ, लोन लोन लिए थे, पैसा फिर करवाए। अच्छा हाँ, तो ये देखिए विजय और रिया का घर है, देखिए कितना अच्छा अच्छा। पहले देखिए विजय को, जिस समय विजय मेरे चाह रहता था उस समय विजय पुराना विजय हीरो लगता है एकदम मिथुन चक्रवर्ती है। और ये देखिए चांदनी का फोटो, और ये चांदनी का फोटो है, और ये देखिए सारा चांदनी का फोटो विजय यहाँ पे लगा के रखा है, ये भी चांदनी का फोटो है। किस समय का लगता है कि 5-6 महीना को, और ये विजय और रिया समय का ना, उसी समय का होगा, लेकिन काफी अच्छा है फोटो, तो बड़ा सुंदर आया है चांदनी का भाई, ऐसे चांदनी है काम भाग गई है, इधर 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 चांदनी, तो ऐसे भी क्यूट है। देखो किसका फोटो है, मेला तुम्हारा नहीं, मेला मेला है। हाँ। थोड़ा दिक्कत तो है क्योंकि अभी ज्वाइंट फैमिली में है, तो ज्यादा कुछ कर वो भी क्लियर करवा रहे थे ना, तो फिर तो ऐसा चलिए सब कुछ लेके ही चलना चाहिए आदमी को, फिर तो बन ही रहा है तो आराम से रहेगा। अब चले चलते, अब विजय का घर घूमते हैं हम लोग, वहाँ वाला नया वाला सपनों का घर। ये क्या पीस रहे हैं आप लोग? अच्छा चावल है, अच्छा इस चावल का रोटी बनेगा। अच्छा अरवा चावल खाने में तो बहुत अच्छा लगता होगा, अच्छा देसी बनाते हैं, लेकिन बहुत ये खतरा का चीज है, वो करती है हाथ ऐसे, डर हमको लगता है, देख के डर लग रहा है इसको। पहले तो क्या मम्मी है, ये महुआ है। अच्छा महुआ का फल है, इसको क्या करते हैं, इसको निकल जाता है, सूखता है तो अपने आप है, झड़ जाता है, गांव में बहुत कुछ देखने को मिलता है भाई, आइएगा तब ना देखिएगा, इसलिए तो आए हैं देखने के लिए। नानी जी बोल रहे हैं कि एक दिन नहीं रहते हैं, आप रहिए यहाँ, तो हम बोल रहे हैं हाँ रहेंगे, मतलब हो रहा ना, यही पेड़ है ना विजय महुआ का, यही है महुआ का पेड़। अच्छा देखिएगा यही महुआ का पेड़ है, और महुआ पूरा लगा हुआ भी देखिए दिख रहा है ना ऊपर में, जैसा देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये दिख रहा है, ये महुआ है, पूरा फल है महुआ का, कितना बहुत सारा गिरा हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे जो महुआ है, देखिए ये सारा महुआ है, ये सभी, हाँ ये सारा जो महुआ का भी सीजन आ गया ना, हाँ देखिये ये सारा महुआ है, इसके सामने अंगूर भी फैल है, ये फल देखिए गाइस, ये कुआं है, यही से तुम लोग पानी निकालता है, देखिए यही विजय के घर के आगे का कुआं है, यहीं से विजय और रिया पानी निकालते हैं, स्नान भी किए हाँ। इसमें खुद के अभी नहीं, बरसात के दिन में, अभी तो नीचे है ना, अभी उठेंगे कैसे, पूरा पानी यहाँ तक भर जाता है उस समय, इसी में चल जाता है। स्विमिंग पूल है तुम लोग का ना, देसी स्विमिंग पूल है। देखिए इतना छोटा छोटा जो बच्चा है, इन लोगों को भी तैरने आता है, बाबू आता है तैरने, देखिए इतना छोटा छोटा बच्चा सबको तैरने आता है, अब मेरे को नहीं आता, सोचिए ये कुआं देखिए कितना बड़ा कुआं और काफी गहरा लग रहा है, ये बहुत गहरा है ना विजय कुआं, और काफी मजा आ रहा है गाइस। और ये देखिए विजय के सपनों का घर जो मेरे पीछे आप लोगों को दिख पा रहा होगा, देखिए, और गाइस देखिए ये ट्रेन मेरे पीछे है, काफी सुंदर, मतलब इतना अच्छा यहाँ पे लग रहा है कि आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मतलब अजीब सा है यहाँ पे, रिलैक्सेशन, मतलब एकदम पीस है यहाँ पे, शांति है, देखिए बहुत सारे लोग यहाँ से ट्रेन में जाते हैं तो विजय को पहचान लेते हैं, यही सपनों का घर है और विजय है यहाँ पे, तो दूर से ट्रेन से बहुत सारे लोग अभी हाय हाय कर रहे थे यहाँ पे विजय को, तो काफी अच्छा लग रहा है गाइस यहाँ पे, तो हम लोग विजय के सपनों के घर के अंदर जाएंगे, सोच रहे थे कहीं ना बहुत ज्यादा पानी आएगा, तो मम्मी सोच रही थी कहीं बारिश हो जाएगा तो कीचड़ नहीं हो जाए कि, तो कि विजय के सपनों के घर तक जा नहीं पाए हम लोग, लेकिन होपफुली मतलब अच्छा है आज का मौसम, काफी अच्छा है ना, धूप है और हाँ, तो काफी अच्छा मौसम है आज का, काफी महुआ का सारा पेड़ लगा हुआ है, प्लास का है, कितना सुंदर लग रहा है, सही में बाहर चेयर निकाल के सुबह सुबह बैठो और
चाय पियो, एक नंबर लगेगा। शहर में क्या बोलते हैं, शहर भी फेल है इसके सामने। क्या हाउस बोलते हैं, फार्म हाउस। फार्म हाउस, चलिए, मतलब फार्म हाउस ही है ये। हाँ, एकदम। शहर का शोरगुल से दूर शांति। शहर में बहुत शोरगुल होता है, शांति चाहिए तो तुमको गाँव में मिलेगा। देखिए चांदनी का साइकिल, चांदनी अब साइकिल देख के साइकिल चलाने के लिए चली गई है। हाँ। चांदनी तुम्हारा साइकिल है? ये तो मेरा है, हम लेके जा रहे हैं इसका। चला लेती है, निकल गई चांदनी। आए तुलसी है, ना तुलसी पीरा, तुलसी पीरा जो बनवाया था अभी, जो तो इसमें तुलसी जी क्यों नहीं लगाया? पूजा करेंगे उस समय, लगवाएंगे ना, रहेंगे उस समय। अभी रास्ता का देखते हैं क्या होता है। अच्छा लग रहा है, अभी रहेंगे, अभी बात विचार तभी करना ना है। यही वाला रास्ता है, इधर से रास्ता बनाना है ना, तो इसमें प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, जो आगे रास्ता है ना गेट पे, अरे सब मिलजुल के सब अच्छे से कर लो। आज तुम्हारे पास है, कल उनके पास भी गाड़ी होगा, सबके पास होगा, समय आएगा सबके पास। गाड़ी को छोड़ दे रांची में, अब चलेगा बारह में, अब है ना। हां, ये रूम को किचन बना देना, और ये इसको 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 वॉश, हां इसको गेस्ट रूम बना देगा। ये क्या हो गया? अरे देखिए विजय इतने दिन के बाद आया तो रूम में पानी भर गया इसका। अरे, तो पानी आया, विंडो 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 खोल के क्या था इसलिए क्या? नहीं नहीं, अच्छा ऊपर ही खुला हुआ है, तब तो पानी भरेगा ना। देखिए अभी काम चल ही रहा है गाइस यहाँ पे, जैसे कि ऊपर में देखिए अभी खुला हुआ है, तो इसीलिए बारिश हुआ तो फिर पानी यहाँ पे थोड़ा सा भर गया और चांदनी यहाँ पे खेलना भी शुरू कर दी। देखिए ये गाइस विजय के घर का जो बेडरूम है, देखिए दो रूम यहाँ पे विजय ने बनाया है। देखिए एक रूम यहाँ पे है और एक रूम यहाँ पे अंदर है, तो दो रूम है। अच्छा, काफी प्यारा रूम है, अच्छा है। और यहाँ पे देखिए विंडो है, भरोसा में नहीं है। हाँ, इसलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन गेट लगा दो, आराम से अपना अंदर में काम करो। पहले यही पूजा हुआ था, याद है? बहुत बदल गया, बहुत, अभी तो बहुत अच्छा हो गया यहाँ पे। हाँ। बहुत अच्छा लगा। तो विजय का घर तो घूम लिए, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा बहुत काम बाकी रह गया है, तो घर का काम ऐसा है कि होते रहेगा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, आशा करते हैं आज का वीडियो काफी हरियाली भरा हुआ मिलेगा आपको। तो काफी हरियाली भरा हुआ मिलेगा और आपको, बाउंड्री भी पूरा हरियाली वाला है। देखिए हम लोग के झारखंड का जो ग्रीनरी का जो साइन है वही है इसका घर का, बाउंड्री का भी कलर। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। बाय बाय।